बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टाइम पर कौतम टीवी के साथ मैं हूं अक्सा वहीद। खबरों का अहवाल बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं, सैकड़ों कोपे माओं ने गिलगित का रुख कर लिया। कोपे माई का सीजन शुरू होते ही सैकड़ों मुकामी और बैनल कवामी कोपे मा केटू समेत दीगर चोटियों को सर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। महकमा सियाहत के मुताबिक अब तक 1700 से जायद परमिट जारी किए गए हैं। गुज़श्ता साल गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कोपे माओं से परमिट फीस की मद में 450 मिलियन रुपए जमा किए थे। मरीन इंतजामिया की सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने के लिए इकदामात। मरीन इंतजामिया सयाहों की आमद के लिए बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने के लिए इकदामात कर रही है, ताकि वो इलाके के तफरीही मकामात पर अपने सफर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मजीद बरां पीने के साफ पानी, साफ बेंचों और पार्कों में रोशनी के मुनासिब इकदामात को यकीनी बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस्लामाबाद को आलमी मयार के शहर में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद को आलमी मयार के शहर में तब्दील करने का अहम फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में शहर में माहौल दोस्त बसें मुतारिफ करवाई जाएंगी, बैनुल अक़वामी मयार की इमरजेंसी सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी, एक्सप्रेस वे मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और इस्लामाबाद में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। और अब आपको बताते हैं दुनिया की तवील तरीन साइकिल के बारे में। दुनिया की तवील तरीन और चलाए जाने के काबिल साइकिल 55 मीटर से ज्यादा लंबी है। 8 डच इंजीनियर्स ने इसे डिजाइन करके बनाया है। इस साइकिल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तवील तरीन साइकिल तस्लीम किया है। पाकिस्तान और कजाकिस्तान का खेलों और सियाहत में दो तरफा तावन पर तबादला ख्याल। वजारत आईपीसी पाकिस्तान ने काजिकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म जाहिर किया है और इस सिलसिले में काजिकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। दोनों ममालिक की स्पोर्ट्स फेडरेशन पहले ही तआवुन कर रही हैं, जो कि दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम है। गवर्नर केपीके का ताजिकिस्तान का दौरा। दोनों ममालिक ने सियाहत के फरोग का इरादा किया। केपीके और ताजिकिस्तान के गवर्नर्स ने मुलाकात के दौरान तजारत, सरमायाकारी और सियाहत को बढ़ाने के मौकों पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर केपीके ने दोनों ममालिक में तजारत और सरमायाकारी के वसी मौकों पर रोशनी डाली और ताजिक हुकाम को इक्तसादी और सियाहती तरक्की के लिए पेशावर के दौरे की दावत दी। इस मौका पर ताजिक गवर्नर का कहना था कि बाहमी तावन के मंसूबे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान इलाकाई तावन और खुशहाली को फरोग देंगे। और अब आपको बताते हैं, सेहत बख्श खुराक 70 साल की उम्र में भी जहन को तेज और यादाश्त को बरकरार रखती है। साइंसदानों का कहना है कि सेहत बख्श खुराक 70 साल की उम्र में भी जहन को तेज और यादाश्त को बरकरार रखती है। साइंसदानों के मुताबिक अच्छी और सेहत बख्श खुराक भूलने की बीमारी से महफूज रखती है। आइसक्रीम के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। माहरीन गिजायत ने आइसक्रीम के फवाइद बता दिए। माहरीन गिजायत का कहना है कि आइसक्रीम में सेहत से मुतल्लिक कुछ हैरत अंगेज फवाइद होते हैं, खास तौर पर जब इसका मुआजना दीगर गिजायत से खाली मीठों से किया जाए। माहरीन का मजीद कहना है कि 2/3 कप डेयरी आइसक्रीम कैल्शियम का एक अच्छा जरिया है, जो हड्डियों और पट्ठों को मजबूत रखता है। इंटरनेशनल फ्राइड चिकन डे के मौका पर कौतम कॉलेज में शानदार मुकाबले का इनेकाद किया गया। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट ने इंटरनेशनल फ्राइड चिकन डे के मुनासबत से शानदार मुकाबले का इनेकाद किया। इस मौका पर कौतम के कल्नरी आर्ट्स के तलबा ने मुख्तलिफ तकनीकों और जायकों का फ्राइड चिकन तैयार किया। KNN, शफक ऑयल, आईलैंडर्स चॉइस और मैकडॉनल्ड्स ने इवेंट की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मुकाबले के अख्ताम पर आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में नकद इनामात तकसीम किए गए। कौतम कॉलेज में फादर्स डे के मौका पर शानदार मुकाबले का इनेकाद किया गया। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट ने फादर्स डे पे फादर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए एक पुरवकार मुकाबले का इनेकाद किया।
जिसमें तलबा ने अपने अपने वालिद के पसंदीदा पकवान बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। चीजियस, एग्रो ऑर्गेनिक, पाउलास कोजा नोस्ट्रा, प्योर फूड्स, फलाला दी क्रीम और हायर के तावन से मुकाबला सरंजाम पाया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की नकद इनामात के जरिए हौसला अफजाई की गई। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कौतम टीवी।